हेलो बच्चों, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक नया लेक्चर, और आज हम बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर। बहुत मजा आने वाला है, एकदम नया टॉपिक है, बहुत सी नई नई बातें आज पता चलने वाली हैं। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक डाइपोल से इसको रिलेट भी करेंगे। वैसे तो टॉपिक आसान है, पर एकदम नया टॉपिक है। ठीक है, शुरू करें इसको। तो मेरा नाम अलक पांडे, हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। तो कॉपी और पेन निकाल लें और क्या करेंगे, नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे चाहें वो वेबसाइट पर जा सकते हैं। अब वेबसाइट तो आपको पता ही होगी, नहीं पता www.physicswalaalakhpandey.com पे जाके इस लेक्चर के PDF नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, और मैग्नेटिज्म का वहाँ पे असाइनमेंट भी मिल जाएगा। वेबसाइट का प्रमोशन बहुत हुआ। आगे बढ़े, क्या हाल चाल है, बढ़िया है, शुरू किया जाए। कैसा लग रहा हूँ मैं, मस्त? तुम भी सही लग रहे हो, बस नहा लेते आज। हाँ सर, पक्का इस लेक्चर के बाद नहाऊंगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, ऐसा आपने टॉपिक शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो चला उसको रिवाइज करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, अगला टॉपिक है आज का। पहले इसको समझते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कहने को तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बट मैग्नेटिक मोमेंट नाम से फेमस है ये। मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट बन गया अगर मोमेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, है ना। अगर हम पुराना देखें, अब तक आपने देखा, रिकैप में जाएं, तो हमने देखा था हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था, है ना। क्या होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे एक माइनस क्यू, यहाँ पे एक प्लस क्यू, है ना, और बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस पे रखे होते थे, एट अ वेरी स्मॉल सेपरेशन अपार्ट। जैसे हम बोल देते कि यहाँ पे इनका सेंटर है, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल, तो 2L के सेपरेशन पे दो अपोजिट चार्जेस रखे होते थे, इक्वल एंड अपोजिट, याद आ गया, बहुत बढ़िया। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी हम निकालते थे, याद है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम पी बोलते थे, और वेक्टर होता था, फॉर्मूला क्या होता था, क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 2L। एक तो चार्ज ले लो और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज विच इज 2L, ये होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और वेक्टर क्वांटिटी होती थी, डायरेक्शन क्या होता था इसका, नेगेटिव से पॉजिटिव, फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव। अभी फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में उल्टा हो जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, कि कोई एक चार्ज ले लो इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज कर लो और डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव ले लो। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता था, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट स्मॉल सेपरेशन अपार्ट। हलवा एकदम सर, ये सब तो बहुत मजे से आता है, कुछ बढ़िया बताओ। देखो नई चीज देखो, आज आप देखने जा रहे हो मैग्नेटिक डाइपोल या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पहले मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा यार, मैग्नेट तो वैसे ही डाइपोल होता है। जैसे मान लो यहाँ एक बार मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है, यहाँ इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ इसका साउथ पोल है, समझ लो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं कि नॉर्थ पोल की जो स्ट्रेंथ है वो स्मॉल एम है, और साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ है वो भी स्मॉल एम है। इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है मैग्नेटिज्म में, M, इसको कई लोग पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं या कई लोग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है मैग्नेटिज्म का, उसमें इसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो इस पोल की क्या शक्ति है, है ना, उसको हम बोलते हैं स्मॉल m। यहां मान लो सेंटर है इस मैग्नेट का, इस तरफ के डिस्टेंस को लेट अस से l और इस तरफ के डिस्टेंस को ऑल्सो से l। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या जिसको सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट बोला जाता है ज्यादातर, मैग्नेटिक मोमेंट, इसका सिंबल होता है m, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है p, और इसका सिंबल होता है m। ठीक, क्या कर रहा है ये मार्कर ने, क्या कर दिया छिछी। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, उसी की तरह m वेक्टर इज इक्वल्स टू, वहां पे चार्ज उठाया जाता है, यहां पोल स्ट्रेंथ उठा लो, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। और डायरेक्शन अगर इसका पूछा जाए तो बच्चों यहां भी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। आप कहोगे सर नेगेटिव पॉजिटिव क्या, देखो एक चीज याद रखो, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेगेटिव चार्ज का रोल होता था, यहां सेम रोल साउथ पोल का होता है, या ये कह लो वहां जो रोल पॉजिटिव चार्ज का था यहां वो रोल नॉर्थ पोल का होता है। तो इसका डायरेक्शन कोई आपसे पूछे तो इट विल बी
फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। थोड़ा सा ये चीज आज दिमाग में बैठा लो कि भैया जो रोल प्ले कर रहा था पॉजिटिव चार्ज, वो रोल प्ले करेगा नॉर्थ पोल आज से, ठीक है। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज नथिंग, पोल स्ट्रेंथ इन टू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, बहुत बढ़िया सुंदर। और डायरेक्शन हो गया साउथ से नॉर्थ, साउथ नेगेटिव जैसा होता है, नॉर्थ पॉजिटिव जैसा। थोड़ा थोड़ा दिमाग में एनालॉगी डालो। तो ये तो बात हुई, बट इन दोनों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो एनसीईआरटी भी हमको बताती है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस ये है कि सॉरी ये चैप्टर नंबर 1 से आया, ये चैप्टर नंबर 3 से आया, ये डिफरेंस है यार, डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि आपको माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटली मिल जाते हैं, चार्जेस सिंगल सिंगल मिल जाते हैं नेगेटिव क्यू प्लस क्यू, बट पोल्स कभी भी आपको अकेले अकेले नहीं मिलेंगे। मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, ये डिफरेंस हो गया इन दोनों में कि चार्जेस तो आपको इंडिविजुअल माइनस क्यू प्लस क्यू कर सकते हैं, बट मोनोपोल्स कभी भी इंडिविजुअली हमको नहीं मिलते, हमेशा दो पोल साथ में होते हैं, कभी आप सेपरेट नहीं कर सकते। पढ़ा होगा वो क्लास 7th में भी, अरे तुम उसके वीडियोस देखो, एनसीईआरटी के वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, दीदी दीदी इसको हम बीच से काट देंगे दीदी तो ये मैग्नेट का एक पोल हो जाएगा। नहीं चिंटू ऐसा नहीं होगा, जब इसको हम बीच से काटेंगे तो यहाँ पे साउथ आ जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। अरे देखा होगा ना, बीच से काटो तो ये अपने आप में एक मैग्नेट बन जाता है, मतलब मोनोपोल इज नॉट अचीवेबल इन मैग्नेटिज्म। तो ये थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दिया हमने मैग्नेटिक मोमेंट का, डायरेक्शन उसका याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, साउथ से नॉर्थ, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल नेगेटिव से पॉजिटिव। अब हम कहने जा रहे हैं कि जो करंट लूप है वो एक मैग्नेट होता है, इसको नोट कर लें फिर बताएं। आहिने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आहिने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। हाँ तो भाई हमने बोला कि जो भी आपके पास ये हो गया, समझ में आ गया, जो भी आपके पास करंट लूप होता है, करंट लूप होता है वो बिहेव करता है मैग्नेट की तरह, बिहेव्स एज मैग्नेट। अभी दिखाते हैं कैसे। बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए जरा। ये मान लो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, करंट लूप है, जिसमें करंट इस तरह से बह रहा है, ऊपर से देखोगे तो क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, नीचे से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ये ऐसे बह रहा है, ऊपर से क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है। मैंने कहा क्या ये करंट लूप कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, ये चीज़ आप पढ़ चुके होगी, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वगैरह भी निकाली थी। कैसे निकालते थे, हम यहाँ पे थंब रखते थे करंट डायरेक्शन में, फिंगर्स को कल करते थे, यहाँ पे थंब रखो करंट डायरेक्शन फिंगर्स कल करोगे, यहाँ पे थंब रखोगे फिंगर्स को कल करोगे, भाई इस जगह पे करंट ऐसे होगा, इस जगह पे करंट ऐसे होगा, ये इस प्लेन में मैंने ऐसे बना रखा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इस तरह से बन के आएगी, कुछ इस तरह से ऐसे बन के आएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर चुके हैं एक बार, ऐसी कुछ बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत, दिल आ जाए जिस पे आपका, उसका नाम तो है सर नहीं नहीं बच्चों ना वापस। हाँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, कैसे बनाया मैंने, यहाँ पे ऐसे थंब रखा कर्ल किया, थंब रखा कर्ल किया, थंब किया कर्ल किया, थंब किया कर्ल किया, अरे ऐसे 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 करंट घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैंने यहाँ थंब रखा कर्ल किया, यहाँ थंब रखा कर्ल किया, यहाँ तो हम रखा कर लिया, ऐसी तो निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं करंट लूप की वजह से, मैग्नेट नहीं है ये, मैग्नेट ही तो है भाई, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगल बगल बना सके वो कौन है, मैग्नेट। इसको कंपेयर करते हैं एक मैग्नेट से और देखते हैं थोड़ा और कहानी को अंदर तक। यहाँ पे मैंने एक बार मैग्नेट ले लिया और मान लिया यहाँ उसका साउथ पोल और यहाँ उसका नॉर्थ पोल, ये जो रीजन है ये मैग्नेट के अंदर का पोर्शन है, अगर 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 ये करंट लूप मैग्नेट है तो ये जो फील्ड लाइन इसके अंदर से जा रही है, सोचो थोड़ी देर के लिए दिमाग में इमेजिन करो कि इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, ये जो ऐसे आपने सर्किल बनाया है इसकी जगह एक ऐसे एक रिंग टाइप की इमेजिन करो जिसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा है ऐसे। अब सोचो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से जा रही है वो एक तरह से मैग्नेट के अंदर की फील्ड लाइन है, नहीं समझ में आया। देखो ये फील्ड लाइन तो बाहर है पर ये जो जा रही है ये तो, अगर ये मैग्नेट मान ले, मैग्नेट तो है ही यार, अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो मैग्नेट जैसा ही है,
अगर ये मैग्नेट है तो ये जो फील्ड लाइंस आप देख रहे हो ये वाली, ये मैग्नेट के अंदर की है कि मैग्नेट के बाहर की है? अंदर की है। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर बाहर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आउटसाइड अगर आप देखो तो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से साउथ होती हैं, बट अगर इनसाइड की बात करें तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ हो जाती हैं। बड़ा बढ़िया कंसेप्ट बता रहे हैं, देखते जाओ, मस्त समझ में आएगी कहानी। यानी अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी साउथ से नॉर्थ। अगर ये मैग्नेट है, अगर ये करंट लूप मैग्नेट है जो कि हमें दिख रहा है कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं अंदर साउथ से नॉर्थ जानी चाहिए। यानी इसके जस्ट ऊपर हम कह सकते हैं साउथ पोल है और जस्ट नीचे नॉर्थ पोल है। कुछ आया समझ में? देखो मैग्नेट के बाहर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, बट ये जो कहानी है ये वाली, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ है? मैग्नेट के अंदर। ये मैग्नेट है ना, इसको मैंने कहा ना थोड़ा सा इमेजिन करो ऐसे, थोड़ा सा थिक शीट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां होंगी? साउथ से नॉर्थ पोल। यानी इसके जस्ट ऊपर हम कह सकते हैं साउथ पोल और जस्ट नीचे नॉर्थ पोल, एंड नाउ इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। सो यू हैव कंपेयर्ड अ करंट लूप टू अ मैग्नेट। इससे क्या होगा सर? इससे जो होगा होगा, अभी कुछ चीजें समझो। जिस तरफ से करंट क्लॉकवाइज दिखे, देखो ऊपर से इसको झांक कैसे देखोगे तो करंट ऐसे क्लॉकवाइज दिख रहा है, उस तरफ साउथ पोल मिलता है लूप के, और जिस तरफ से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखे उस तरफ आपको नॉर्थ पोल दिखता है। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, जरा मैं दिखाता हूं आपको बना के, याद आ जाएगा। ये दो डायग्राम, ये ऐसे दो गोले गोले बनाए जाते थे क्लास 10th में। क्या होता था, मैंने कहा जिस तरफ क्लॉकवाइज, देखो ऊपर से कैसे दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो जिस तरफ से क्लॉकवाइज दिखा उस तरफ से आप बोलते थे साउथ पोल, याद आया? और जिस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज उस तरफ से आप बोलते थे नॉर्थ पोल, याद आ गया? डायग्राम क्लास 10 की किताब में बने रहते थे बेवकूफ बनाने के लिए, अभी आपको रियलाइज हो रहा है एक्चुअल क्या है। क्लास 10 में ऐसे ही बता दिया जाता था कि क्लॉकवाइज दिख रहा है। अब समझ में आया क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे अपनी फिंगर्स रख के, अपने थंब रख के फिंगर्स को कर्ल करो तो आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ऐसे। और अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती हैं? साउथ से नॉर्थ, तो डेफिनेटली इस तरफ साउथ, इस तरफ नॉर्थ। टेन जो बस बोल देते थे कि अगर आपके पास कहीं पे क्लॉकवाइज है, अगर देखने में करंट कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है किसी करंट लूप में, तो आप बोल देना यहां पे साउथ पोल है, है ना? और बोलते थे अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखे, एंटी क्लॉकवाइज दिखे करंट, तो भैया बदन पे सितारे लपेटे हुए, इसको बोल दो नॉर्थ पोल, है ना? बट आज आपको समझ में आ रहा है ये कहानी क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के अंदर हमेशा साउथ से नॉर्थ जाती हैं, तो डेफिनेटली इस तरफ साउथ, इस तरफ नॉर्थ। इधर से करंट दिख रहा था क्लॉकवाइज, तो हमने कहा क्लॉकवाइज को साउथ मान लो और एंटी क्लॉकवाइज को नॉर्थ मान लो। नोट करें इतना, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, ओह जीवन अपना सारा सनम। पॉज करके, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, हो गया? समझ में आया? अब बात आती है कि अगर ये मैग्नेट है, प्रूफ हो गया, आज प्रूफ हो गया ये मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट है तो क्या इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा? अगर ये मैग्नेट है तो क्या इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा? डायरेक्शन याद है, साउथ से नॉर्थ, तो क्या ऐसा कोई मैग्नेटिक मोमेंट भी ये बनाएगा? इसकी बातें अब स्टार्ट हुई। साउथ से नॉर्थ, क्या ये कोई मैग्नेट, भाई ये मैग्नेट है, क्लियर हो गया? करंट लूप मैग्नेट है, करंट लूप मान लिया मैंने मैग्नेट है। तुम भी दिमाग में डाल लो आज से, तुमको ऐसे गोलू गोलू करंट कहीं भी दिखे, गोलू गोलू करंट देखते ही दिमाग में क्या आएगा, ये तो मैग्नेट है, क्लियर है? घर में कहीं ऐसे तार गोल घूम देखे, समझ जाओ ये क्या है, ये मैग्नेट है, सबको बताओ ये मैग्नेट है, ठीक है? तो गोलू गोलू करंट कहीं पे भी दिखता है तो गोलू गोलू करंट इज अ मैग्नेट। और अगर कहीं मैग्नेट है तो मैग्नेट के पास क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, तो हम देखने जा रहे हैं कि क्या ये करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा? बिल्कुल बनेगा, और उसकी हम बात करेंगे। मिटाने इतना, ओके
आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी। हाँ तो बच्चों, प्यारे बच्चों, हम कहेंगे कि यहाँ पे करंट लूप बिहेव्स एज मैग्नेट एंड हेंस वी आर गोइंग टू फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, इसका सिंबल है वेक्टर एम। और अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बनाया एक करंट लूप, इसमें करंट दौड़ा दिया, ओके मस्त करंट दौड़ रहा है इसमें आई नाम का। और ये कोई एक सर्कुलर लूप ले लिया हमने, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमने कहा कि इसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा, बिल्कुल होगा। हमने कहा ऊपर से देखने में करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ मान लो साउथ पोल होगा और नीचे की तरफ मान लो नॉर्थ पोल होगा। थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, बोलो सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, खचक 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 खचक। अब हमने कहा कि करंट लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड, अब इसकी डेफिनेशन अपनी है, इज डिफाइंड एज वेक्टर एम इज इक्वल्स टू करंट इंटू वेक्टर ए। नोट करें, वेक्टर एम इज इक्वल्स टू करंट इंटू वेक्टर ए। डायरेक्शन विल स्टिल रिमेन द सेम फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ए इज एरिया वेक्टर, आई इज करंट, ए इज एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर आपको जानबूझ के उस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा जिधर साउथ से नॉर्थ है। मैं कहूँ इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे ठुचू क्यों क्यों, ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। मैं आपसे यहाँ पे पूछूं मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, चलें सभी लोग आंसर दें, खचक खचक बताएं मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है। तो आप यहाँ पे फिंगर्स रखा, खचक खचक थंब रखा, ऐसे फिंगर्स खचक खचक, यहाँ थंब रखा खचक खचक खचक, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे। और मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ आती हैं, और साउथ से नॉर्थ ही होता है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, मान लो करंट हमने ऐसे दौड़ा दिया खचर खचर खचर, तो हमने कहा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन बताओ, तो थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल किया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर जा रही। थंब को यहां रखो, फिंगर्स को कर्ल करो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर, ध्यान दो ये करंट ऐसे। थंब को यहां रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर, यहां देखो करंट ऐसे। थंब रखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से ऊपर, यानी कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन के आई। और हम समझ गए कि मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ होती हैं मैग्नेट के अंदर। बोलिए इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि कन्फ्यूजन हो रहा है अभी भी? जरूरी नहीं कि सर्कुलर लूप लें, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे स्क्वायर लूप ले सकते हो, ट्रायंगुलर लूप ले सकते हो, है ना, जैसा भी चाहो वैसा हिप्पोपोटमस के शेप का लूप ले सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया, आ गया समझ में। अंदर देखो, अंदर अंदर मैग्नेट के अंदर देखना, बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं, मैग्नेट के अंदर, अंदर अंदर, कचक कचक कचक। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर कहां से कहां जाती हैं, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ, एम ये हो जाएगा। अब यार किसी ने कहा कि सर कौन बार बार ये सब करेगा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट आपको बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, हाउ टू यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन केस ऑफ करंट लूप। ट्रिक क्या है, कर्ल द फिंगर्स of your right hand, अब ये नहीं बगलाई लड़की का हाथ पकड़ लिया है ना, तुम्हारे जो उसके लिए इंटेंशन थे वो तो सही थे, तुमने कहा कि बहन हमको कुछ नहीं करना, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन निकालना है, पर बहन तो नहीं समझेगी, वो तो थप्पड़ मार देगी। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड एंड देन, किस डायरेक्शन में, राइट हैंड सर किसके साथ कल कर ले, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन, सर हम तो कल कर लिए, थप्पड़ भी मिल गया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन योर थंब, देन योर थंब, अगर आपने अपना थंब गुरु द्रोणाचार्य को काट के नहीं दिया अभी तक, एंड देन योर थंब पॉइंट्स, देन योर थंब पॉइंट्स इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। बोलो बात समझे, अरे बार बार कौन साउथ नॉर्थ ढूंढेगा यार, कौन इतनी मेहनत करे बार बार यहाँ पे रखे हैं खच्चा, फिर अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, और मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ होता है, यहाँ रखा है खच्चा, फिर हमने कहा अंदर फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ है। सिंपल, कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, किसी और साथ कर्ल नहीं करना है, एंड देन योर थंब, कौन सा थंब, राइट हैंड का थंब, ये नहीं इसको कर्ल कर रहे हैं इसका थंब देख रहे हैं है ना, तो राइट हैंड की फिंगर्स को कल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो ये ऐसे कल हो रही है, नहीं ऐसे कहाँ हो रही है, करंट जिस डायरेक्शन चल रहा है, गधे वाला काम नहीं है, ऐसे कल कर दिया, कैसे जा रहा है ऐसे, तो राइट हैंड की फिंगर उल्टा कर लो यार, ऐसे देखो कल नहीं हो पा रहा है ना, अपोजिट जा रहा है, तो उल्टा कर लो,
अब देखो फिंगर्स जिस करंट के डायरेक्शन में कल हुई, जिधर थंब पॉइंट किया दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है? नहीं नहीं मैं तुमको लूजर नहीं बोल रहा. जैसे ये देखो फिंगर्स किधर कल होगी, ए ये देखो ऐसा है ना करंट, ये वाला केस और कच 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 कच, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट. इसमें आ जाओ फिंगर्स किधर कल होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट. क्लियर हो गया? अब आसान हो गया, फिंगर्स को करंट डायरेक्शन में कर्ल करो, थंब अपने आप पॉइंट कर देगा. ये देखो फिंगर्स को ऐसे देखा तो करंट के अपोजिट जा रहा है, तो पलट दो और राइट हैंड ही यूज करना और अपना ही यूज करना, है ना? ठीक है. इसके बाद अगर आपकी क्लास में आपको थप्पड़ पड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, है ना? ठीक है, वरना आगे कॉमेंट करोगे सर मैंने तो किया थप्पड़ पड़े. तो ये सब यार बेसिक चीजें हो गई, बट एक चीज समझ लो कि जो एक्चुअल तरीका होगा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन निकालने का वो ये है, एरिया वेक्टर. ये भी कहानी समझना, साउथ से नॉर्थ ये भी याद रखना. चले मिटा रहे हैं इसको, क्वेश्चन किए जाए इसके थोड़े बहुत. ओके सो अब भाई आपको ये बताया गया कि मैग्नेट के पास भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, जो एक करंट लूप होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. करंट लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ होती है और मैग्नेटिक मोमेंट जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था वैसी एक क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव का रोल प्ले साउथ पोल करता है, साउथ से नॉर्थ. इसका जो फॉर्मूला है अच्छे से याद रखेंगे, आई इंटू ए है, ए इज द एरिया वेक्टर. डायरेक्शन निकालने के लिए करंट के डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कल करना है और थंब से डायरेक्शन आ जाएगा. क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं भाई साहब, बहुत हो गया समय. क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर, चलिए सवाल देना स्टार्ट करते हैं. सवाल यही रहेगा, ठीक है? अब इसी पे तीन चार सवाल कर लेते हैं. फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर क्वेश्चन नंबर वन. तो हमसे बोला है मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाइए. तो यहाँ पे एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, इसमें मान लो करंट बह रहा है 2 एम्पियर का और इसका रेडियस लेट अस से इज 3 मीटर्स. हमसे कहा है फाइंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस. एक क्वेश्चन ये ले लो, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं इधर 2 x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस. इसमें करंट फ्लो कर रहा है लेट अस से 1 एम्पियर का एंड इसकी ये साइड है मान लेते हैं 2 मीटर, ये साइड है मान लेते हैं 3 मीटर. एक्स वाई जेड हमसे कहा मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करिए इन दिस केस एंड इन दिस केस. चलिए पॉज करके एक बार आप ट्राई कर लें, एक बार तो कोशिश करो यार जीवन में. हो गया? अरे हलवा सवाल है भाई, अरे हलवा है, सूजी का हलवा, गाजर का हलवा, हाय हाय सर गाजर का हलवा. हाँ आ जाओ वापस. तो यहाँ पे हमने कहा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कहेंगे m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए. पहले फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लो, i कितना है 2, एरिया कितना होगा इसका पाई r स्क्वायर, r कितना है 3 का स्क्वायर इज 9 टू 18 पाई. बोलो सही है? r की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 पाई. अब आई इसके डायरेक्शन की बात, कि 18 पाई किस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक मोमेंट, 18 पाई किस डायरेक्शन में है. तो क्या करना है, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में, थंब उधर पॉइंट किया दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट. तो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, किस तरफ है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग. तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई चीज़ होती है तो हम क्या लगा लेते हैं, जे कैप. ये सब तो सबको पता है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप, वाई के लिए जे कैप, जेड के लिए के कैप. बहुत बढ़िया, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ. तो हमने कहा मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, पहले फॉर्म लगा देते हैं आई इंटू ए. आई कितना है 1 एम्पियर, ए कितना हो जाएगा 2 3 6 रेक्टेंगल है ना, तो 2 3 6 तो ये हो गया 6. यूनिट कोई पूछे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक मोमेंट कोई आपसे यूनिट पूछे तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी बताओ. अरे भाई आई इंटू ए, आई किस में होता है एम्पियर और एरिया किस में होता है मीटर स्क्वायर. ऐसा यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है? बाकी जिसमें दिया हो सेंटीमीटर दिया हो तो उसमें खैर नहीं है 6. अब बात है इसके डायरेक्शन की, ऐसा यूनिट मिलेगा, ठीक है? अब बात है इसके डायरेक्शन की. तो डायरेक्शन के लिए अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कल करना है करंट डायरेक्शन में, खुचुक खुचुक उल्टा है ये तो, उल्टा कर लिया खुचुक खुचुक. अब सही है, थंब किधर जा रहा, अंदर. यानी यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की तरफ है, क्रॉस बना दिया, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ है. तो बच्चों ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, तो अंदर क्या होगा माइनस के कैप. अरे नेगेटिव जेड एक्सिस में जा रहा है अंदर की तरफ, नेगेटिव जेड एक्सिस में, यानी माइनस के कैप. तो माइनस 6 के कैप हो गया. बोले समझ में आया? अरे भाई खचक खचक, अंदर बाहर के कैप, तो अंदर माइनस के कैप. क्लियर है? आगे दोनों सवाल.
और सवाल किए जाए? चलिए एक बढ़िया सवाल देते हैं, तब तो आपको समझ में आ गया ना भाई जे के क्या करना। चलिए एक अच्छा सवाल दिखाते हैं, मिटा दें इसको, आइए देखते हैं। लेट अस डू वन गुड क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार के बदले प्यार मिला। जाने वो कैसे चिच्छी जल्दी। हाँ ठीक है, यहाँ मान लो हमारे पास ये ठीक है, यहाँ हमारे पास एक लूप है, यहाँ से करंट मान लो चला लेटस से आई, यहाँ पे भी आया आई, फिर यहाँ गया वही करंट आई, फिर यहाँ आया वही करंट आई, फिर यहाँ गया वही करंट आई, फिर यहाँ गया। हमसे साइड पूछी गई, ये साइड है ए, ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड बी। तो हमारे पास इस तरह का कोई शेप है, ठीक है, ऐसा कोई शेप है हमारे पास जिसमें करंट यहाँ से चल के गुम 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 झुम 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 झुमा झुम झुम झुम, ठीक है। हमसे पूछा मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस, अब बताओ क्या किया जाए। बड़ी दुविधा है, सोचो सोचो सोचो, बढ़िया सवाल है, सोचो सोचो हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ लूप, क्या किया जाए सोचो। करंट यहाँ से चलता हुआ ऐसा है, कैसे करें सर, ये तो एरिया ही अलग अलग प्लेन में, एक एरिया एक्स वाई प्लेन में, एक एरिया एग्जिट प्लेन में है, लूप पूरा अजीब सा बना हुआ है। जो अभी अभी तुमने बोला ना वही सोचना था, पहला इंस्टिंक्ट जो दिमाग में आया ना हमेशा उसको फॉलो करना चाहिए, सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा कहीं भी, तो मन में जो चीज़ आना उसको जरूर फॉलो करो, इंस्टिंक्ट बहुत सही आते हैं। तो जो इंस्टिंक्ट आया था ना कि एक लूप ये है एक लूप ये, तुमको यही करना है यहाँ पे एग्जैक्टली जो तुमने सोचा 100% सही सोचा था, बिलीव किया करो, स्टार्ट किया करो। तुमने यही सोचा ना कि एक लूप ये है ये लूप है, दोनों मैच नहीं कर रहे, बिल्कुल सही बात है। ध्यान से देखो इस जगह पे कितना करंट है, जीरो। इस ब्रांच में कितना करंट है, जीरो। बढ़िया सवाल है, करंट आई आया इधर गया इधर गया इधर, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं आया। अच्छा, अगर हम ऐसा कहें, इसी क्वेश्चन को अगर हम इस तरह से सोचना स्टार्ट करें, ध्यान से देखो इसी सवाल को अगर हम इस तरह से सोचें कि ये जो करंट आई आया ये इधर चला गया। अब आप बोलोगे सर इस ब्रांच में करंट नहीं था आपने दौड़ा दिया, रुको, और एक लूप जो ये करंट आ रहा आई ये इधर चला गया, कोई गलती तो हुई नहीं, इस ब्रांच में फिर करंट कितना हो गया, जीरो। बट हमारा काम कंप्लीट हो गया, एक लूप ये कंप्लीट हो गया, एक लूप ये कंप्लीट हो गया, अब दो अलग अलग लूप हो गए, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की तरह जोड़ दो। ऐसा करना पड़ेगा इस तरह, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ये नोट लगा लेना, कभी भी ऐसा सवाल मिले जिसमें आपको लिख रहा हो कि दो लूप अलग अलग प्लेन में ही है, तो कैसे बनाए सर, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा दिख रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं है, हम ही नहीं रखेंगे, हम इस करंट को इधर घुमा देंगे, इस करंट को इधर, तो ओवरऑल इस ब्रांच में अभी भी करंट कितना है, जीरो। बट हमारा काम पूरा हो गया, एक ये लूप कंप्लीट हो गया अगर इस करंट की वजह से देखें, और ये लूप इस करंट की वजह से, दोनों अलग अलग लूप ले लो, लेट अस कॉल दिस एज लूप वन, दिस कॉल इज एट लूप टू, साइड ए ए ए ए बी बी। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं लूप वन लूप टू का, लूप वन की बात करें, यहाँ आ जाओ, लूप वन की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, आई इंटू ए, करंट कितना है आई, एरिया ए, इसका एरिया कितना हो जाएगा ए इंटू बी, सो इट इज आई ए बी। फिर आती है डायरेक्शन की बात, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, फिंगर्स को कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब बाहर आया, बाहर मतलब के कैप, जेड डायरेक्शन है के कैप, तो आई ए बी के कैप। एम टू की बात करें, सेम फॉर्मूला, आई ए, एरिया इसका भी सेम है, ए बी रेक्टेंगल है ना, ए बी। और करंट की बात, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन की बात करें, एग्जैक्ट प्लेन में ना, देखो करंट ऐसे, वाई डायरेक्शन यानी जे कैप। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जोड़ दो, वेक्टर क्वांटिटी तो है, वेक्टर सम कर दो, एम वन प्लस टू, कितना हो गया आई ए बी के कैप प्लस आई ए बी जे कैप,
सो आई ए बी कॉमन हो गया, जे कैप प्लस के कैप, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। कोई आपसे पूछता है इनका मैग्नीट्यूड बता दो, तो भी आप बता सकते हो नेट मैग्नेटिक मोमेंट का। भाई दोनों से एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, आई ए बी है ना, तो अंडर रूट आई ए बी का स्क्वायर प्लस आई ए बी का स्क्वायर है ना। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मॉडम, मॉडम क्या करते थे हम, जो आई के साथ है, जो एक मतलब आई के साथ है उसका स्क्वायर, जे के साथ उसका स्क्वायर, के साथ उसका स्क्वायर, तो जे के साथ आई ए बी का स्क्वायर, के साथ आई ए बी का स्क्वायर, आई के साथ कोई है नहीं, तो रूट टू आई ए बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यार समझ लो ना टू हो गया, अंदर बचेगा रूट टू, बाहर बचेगा आई ए बी, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस तरह के सवाल याद रखने हैं, मिटा रहे, मिटा रहे, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको हम एक कंसेप्ट बताते हैं, फिर उस कंसेप्ट पे एक सवाल दिखाते हैं। सी व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट, द कंसेप्ट इज, ये कंसेप्ट है वेक्टर का, फॉर एनी पैरेललोग्राम, मान लो यहां कोई पैरेललोग्राम है, फॉर एनी पैरेललोग्राम, लेट अस से दिस इज ए बी सी डी, फॉर एनी पैरेललोग्राम एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव साइड ए बी क्रॉस बी सी और बी सी क्रॉस सी डी और सी डी क्रॉस डी ए और डी ए क्रॉस ए बी। यही ट्रायंगल होता तो हाफ लग जाता है साथ में, अगर ट्रायंगल हो तो दो कंसेक्यूटिव साइड ले लो साथ में हाफ लगा लो, ठीक है। मान लो इसी जगह ट्रायंगल पे होती है ये कहानी, ऐसे मान लो ए बी सी और इसका एरिया वेक्टर होता तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड उठा लो, जैसे उठा लिया ए बी क्रॉस बी सी और साथ में हाफ लगा लो, ठीक है, या बोल सकते हो हाफ बी सी क्रॉस सी ए या हाफ सी ए क्रॉस ए बी, ठीक है। एरिया वेक्टर निकालने का तरीका, ये किसी भी पैरेललोग्राम में स्क्वायर रेक्टेंगल कहीं भी वैलिड हो जाएगा, और वो किसी भी ट्रायंगल में वैलिड है, इक्विलैटरल हो, आइसोसेलीस हो, कैसा भी हो, ठीक है, ये एक चीज याद रखो, काम आएगी अभी आज। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है दो कंसेक्यूटिव, क्रॉस प्रोडक्ट आता है ना दो कंसेक्यूटिव साइड का, दो कंसेक्यूटिव साइड्स का, इसको एरिया वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, मिटा दें इसको, ओके मिटा दें, नोट कर लिया है टू कंसेक्यूटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, और वहां टू कंसेक्यूटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट उसको हाफ से डिवाइड करते हैं, मिटा दें, ओके। अब इसके बेसिस पे आपको एक सवाल देते हैं, चलो ध्यान से देखें, बढ़िया सवाल बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया ना, बढ़िया सवाल बनाते हैं। करंट दौड़ रहा है, लेट अस से कैपिटल आई, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी ऑफ साइड ए और कैरिंग करंट कैपिटल आई, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। अब बच्चे बड़ा परेशान, यार इसमें कैसे करें, आई इंटू ए तो हो जाएगा, एरिया पता ही है उसका कितना आएगा, ए स्क्वायर, तो आई ए स्क्वायर, ये तो हम कर सकते हैं, बट डायरेक्शन कैसे पता चलेगा इसका, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ये कौन सा जगह है, ये ना एक्स में आ रहा है ना, अरे देखो जब एक्स वाई प्लेन में था तो क्लियर था जेड में आएगा, एग्जेक्ट प्लेन में रखा तो क्लियर था वाई में आया, है ना, जब भी किसी स्पेसिफिक प्लेन तब तो श्योर था, ये देख रहे हो कुछ एक डिफरेंट प्लेन में है, सम एंगल है ना, इट इज़ वाई जेड प्लेन से 60 डिग्री टिल्टेड है,
वाई जेड प्लेन से 60 डिग्री टिल्टेड है ना, तो इसका नॉर्मल भी आपका टिल्टेड आएगा, तो कैसे निकाला जाए इस सवाल को? प्रॉब्लम समझ रहे हैं क्या? वही वेक्टर की प्रॉब्लम हुई है। अभी वाई जेड प्लेन में होता तो बड़ा आसान होता कि वाई जेड प्लेन में मान लो इस प्लेन में होता वाई जेड प्लेन, समझ रहे हो, ये यहाँ होता तो बड़ा आसान था, एक खचाक एक्स में आया, एक्स जेड में होता वाई में जाता, एक्स वाई में होता जेड में आता, बट ये वाई जेड प्लेन से भी टिल्टेड। इस तरह का अगर सवाल दिखे तो क्या खेल खेलना है? अब आपको यूज़ करना है अपनी नॉलेज ऑफ एरिया वेक्टर। आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला तो ये भी है, I into A वेक्टर, और एरिया वेक्टर ध्यान देखना करंट के डायरेक्शन में लेना है ना, ये नहीं कि आपने उल्टा BA into AD कर दिया, नहीं, करंट जैसे घूम रहा है उसी डायरेक्शन में। अब आप एरिया वेक्टर निकाल लो, उसको करंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी तो कर सकते हैं, सीधा मिल जाएगा डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर आपको निकालना है बस, विच इज़ वेरी इजी। एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू कोई भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, मैं ले लेता हूँ AB क्रॉस BC, किसी भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, कंसेक्यूटिव साइड का, कंसेक्यूटिव AB क्रॉस BC। चलो AB क्या होगी, AB साइड लिखनी पड़ेगी, आओ AB साइड निकालते हैं पहले। AB विल बी, ये कितना है हमारा A, तो AB को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो ये A, तो इधर इसका कंपोनेंट आएगा A cos 60 Z डायरेक्शन में, और इधर आएगा A sin 60, बोलो सही है? अगर ये साइड A है तो इधर कंपोनेंट A cos 60 Z में और A sin 60 X में, तो हम इस वेक्टर AB को लिख सकते हैं A sin 60 I cap, बोलो सही है? वेक्टर AB को लिख सकते हैं A sin 60 I cap में है प्लस A cos 60 J cap में है, सो इट विल बिकम A sin 60 इज रूट 3 बाई 2 I cap, cos 60 इज 1 बाई 2 J cap, ये हो गया वेक्टर AB। इस तरह से कोई वेक्टर BC हमसे पूछे जो कि निकालना ही है, तो वेक्टर BC क्या हो जाएगा, ये साइड कितनी है A, डायरेक्शन क्या है इसका y एक्सेस यानी K cap, सीधा सीधा तो A into K cap, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं था। अरे भाई A साइड है, किधर जा रही है K cap में, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो AB हो गया A रूट 3 बाई 2 I cap प्लस A बाई 2 J cap क्रॉस A K cap। क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको थोड़ी सी एक चीज़ पुरानी याद दिला दें, अगर आप भूल गए हो, कहाँ याद दिलाएं, यहीं दिला दें, I J K याद है, I क्रॉस J करोगे तो K मिलेगा, J क्रॉस K करोगे तो I मिलेगा, K क्रॉस I करोगे तो J मिलेगा, ठीक है? ऐसे सर्कल बना लो, किसका I J K का सर्कल बना लो, I क्रॉस J से K मिलेगा, J क्रॉस K से I मिलेगा, K क्रॉस I से J मिलेगा, और उल्टा हो जाए कभी J क्रॉस I कर दे तो माइनस K, I क्रॉस K कर दे माइनस J, K क्रॉस J कर दे माइनस I, है ना? मतलब ये राइट हैंड सर्किल आपको देखना है, क्लॉकवाइज अगर चलोगे तो अगला वाला आएगा प्लस के साथ, क्लॉकवाइज चलोगे तो अगला वाला प्लस के साथ, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो अगला वाला माइनस के साथ। आओ देखते हैं एरिया वेक्टर, पहला क्या है A इंटू A, ए स्क्वायर इंटू रूट 3 बाई 2 आई क्रॉस K, आई क्रॉस K, एक तो अगला वाला आएगा J और माइनस के साथ क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चले, देखो I क्रॉस K एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलते तो अगला वाला आता प्लस के साथ, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे अगला वाला माइनस के साथ, प्लस A बाई 2 इंटू A, तो ये हो गया A स्क्वायर बाई 2, J क्रॉस K I कैप पॉजिटिव, है ना? क्लॉकवाइज ही चल रहा है, जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो अगला पॉजिटिव साथ, एंटी क्लॉकवाइज तो अगला नेगेटिव साथ, J क्रॉस K I कैप मिल गया, तो एरिया वेक्टर इज व्हाट, A स्क्वायर कॉमन रूट 3 बाई 2, ऐसे लिख लेते हैं, A स्क्वायर कॉमन 1 बाई 2 I कैप, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो जाएगा ना, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन I कैप माइनस रूट 3 J कैप। नाउ यू हैव गॉट द एरिया वेक्टर, पुट इट ओवर हियर एंड गेट मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल्स टू I इंटू एरिया वेक्टर विच इज I इंटू एरिया वेक्टर विच इज ए स्क्वायर बाई 2 I कैप माइनस रूट 3 J कैप एंड दैट इज द आंसर। अब एग्जैक्ट डायरेक्शन आपको मिला, आई जेड प्लेन में आ रहा है इस बार, किसी एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, क्लियर हो गया? मतलब किसी थ्री एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, एक्स वाई जेड के अलॉन्ग, आ गया समझ में?
ए बी क्रॉस बी सी, तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए ए साइन 60, ए कॉस 60, ए साइन 60 हो गया हमारा रूट 3/2, ये किस करेक्शन में है, आई कैप में, और ये हो गया हाफ किस करेक्शन में, जे कैप में। फिर हमने कहा ये कितना होगा ए के कैप, बी सी मैंने गलत लिख दिया शायद ना, दिस आई पुट एफ रॉन्ग, दिस विल बी जे कैप एंड ए बी में ए कॉस 60 इज अलॉन्ग दिस जे, दिस विल बी के कैप, वेरी सॉरी, स्लाइड सा चेंज, स्लाइड सा मिस्टेक। BC वेक्टर हमारा जो है वो A है किस डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन, तो इस वजह से J कैप, तो यहाँ पे हो जाएगा K कैप, यहाँ पे हो जाएगा J कैप। तो पहला वाला I क्रॉस J, K कैप आएगा 30 सी मिस्टेक, और दूसरा वाला K क्रॉस J माइनस I कैप आएगा, K क्रॉस J माइनस I कैप, सो दिस विल बी A vector is equals to A square by 2 root 3 K cap minus I cap. So this will be root 3 K cap minus I cap. देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, पकड़ में आ गई है कि ए बी जो हमने वेक्टर लिया वो होगा A sin 60 I cap and A cos 60 किस तरफ, Z में, तो हो जाएगा K cap, है ना, यहाँ पे A cos 60 K cap. और BC जो वेक्टर है वो A है Y डायरेक्शन में, तो A into J cap. देखो सही किया सब, I cross J will be K and K cross J will be minus I. बोलिए आ गया, आगे बढ़े, तो इसी तरह का आखिरी सवाल यही था मैग्नेटिक मोमेंट का, इसी तरह का सवाल आ सकता है। अब एक नई चीज आपको दिखाते हैं, क्या है नई चीज, अब हमने देखा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये एनसीईआरटी का टॉपिक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों गल 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 घूमता है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम देखें, बोहर मॉडल को हम इसमें बड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, बोहर मॉडल को हम इसमें सही मानेंगे, इस पूरी डेरिवेशन में बोहर मॉडल सबने पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया, क्लास 11th में था, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे एक जगह पे, ठीक है, टेंशन ना ले, कई लोग एकदम हाथ पाँव फूल गए, टेंशन नहीं, मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ये ई, और ये इस तरफ भाग रहा है ई, और वो ऐसे भाग रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ई, ये इलेक्ट्रॉन ई, इसका मास एम है, स्पीड वी है, मान लो वी स्पीड से ऐसे भाग रहा, फिर इधर भागेगा, गोल गोल घूमता है ना इलेक्ट्रॉन, गुल 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 गुल, है ना, मान लेते हैं ऐसे वी स्पीड से भाग रहा, मान लेते हैं इधर वी स्पीड से, ऐसे वी स्पीड से लगातार घूम रहा है, मानते हैं ना इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूरी जगह क्या रहती है सर्किल में सेम, और बीच में हमारा वही प्यारा न्यूक्लियस है, ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन का मास एम मान लिया और स्पीड वी मान ली, अच्छा अब बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन जुम 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 घूमेगा तो क्या करंट नहीं बन जाएगा, व्हाट इज करंट, करंट क्या होता है, जब कहीं पे चार्ज का मोशन होता है तो हम बोलते हैं करंट बना, तो हमने कहा ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इज जनरेटेड, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट बन गया, हमसे किसी ने कहा कितना करंट बना, नहीं समझ आया भाई, कहीं पे अगर चार्ज का मोशन होता है तो करंट बनता है ना, व्हाट इज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो हमने कहा करंट क्या है, करंट कितना होगा, लेट अस से करंट आई इज इक्वल्स टू व्हाट इज क्यू बाई टी, यही होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऐसे बोल दो डी क्यू बाई डी टी, जस्ट चाहो। अब यहाँ करंट की वैल्यू कितनी होगी, जरा ध्यान से समझना इस बात को, करंट ये होता है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से एक गिवन टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है, आई रिपीट लिखने को हम तुरंत लिख देंगे आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन कैपिटल टी, पर समझाना बड़ा जरूरी है, मतलब हमको तो याद है लिख देंगे हम, या ई इंटू एफ खत्म, क्यू इंटू एफ, समझना जरूरी है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से एक गिवन टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा, उस चार्ज को उस टाइम से डिवाइड कर दो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, व्हाट इज करंट, करंट इज अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी डिवाइडेड बाई टाइम
कितना चार्ज पास किया है क्रॉस सेक्शन से गिवन टाइम में, और उस चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब सुनो, मान लेते हैं यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन है, लेट अस सपोज यहाँ कोई क्रॉस सेक्शन है, आप इमेजिन करो दिमाग में इमेजिनरी, ये क्रॉस सेक्शन मैंने इमेजिन किया, मान लो ये एरिया ए, यहां से एक टाइम पीरियड के अंदर कितना चार्ज पास करेगा, एक टाइम पीरियड मतलब जितनी देर में एक चक्कर लगता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, क्या कोई और इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन लाइक एटम, हमने हाइड्रोजन लाइक एटम लिया है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी की हम बात करेंगे, हम बहुत सिंपल लग रहे हैं अपनी कैलकुलेशन वगैरह, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहां मान लो हमने एक एरिया बनाया क्रॉस सेक्शन, तो एक टाइम पीरियड में यहां से कितना चार्ज पास करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, फिर कोई और तो आना नहीं है, फिर वही इलेक्ट्रॉन एक टाइम पीरियड बाद आएगा, यानी एक टाइम पीरियड में इसमें से कितना चार्ज पास कर रहा ई, तो करंट आई इज इक्वल्स टू चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी, चार्ज कितना पास किया ई, कितने टाइम में, कैपिटल टी। बुक में बड़े आसानी से लिख देते हैं, हम भी लिख देते हैं ई बाई टी, ई इंटू एफ बाई वन बाई टी, फ्रीक्वेंसी होता है ना, वन बाई टी इज फ्रीक्वेंसी, तो ई एफ भी लिखते हैं कई लोग, क्यू एफ भी लिखा रहता है बड़े इजिली किताब में, क्यू एफ करेक्ट रहता है। कैसे हुआ समझ में आया, करंट क्या है कि किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास किया एक गिवन टाइम में। जैसे मान लो एक क्रॉस सेक्शन यहाँ से चार्ज पास कर रहा है, पास कर रहा है, कितना पास किया उसने, बोला 500 कूलम, हमने कहा अच्छा कितने टाइम में, उसने कहा एक घंटा, हमने कहा 500 कूलम डिवाइड बाई एक घंटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो हमने कहा इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो किया ई, हमने कहा कितनी देर में, उसने कहा एक एक टाइम पीरियड बाद आ रहा है, हमने कब आ रहा है ई चार्ज इसमें से, कह रहा है कि एक टाइम पीरियड बाद आ रहा है, तो कितना चार्ज पास किया ई, कितने टाइम में, टाइम पीरियड टी। क्लियर है? अब टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम पीरियड मतलब कितना डिस्टेंस कवर करना है, एक चक्कर। टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर मतलब कितना डिस्टेंस हो गया, 2πr। स्पीड कितनी है, कॉन्स्टेंट है v। भाई टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन चक्कर। एक टाइम होता क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्म, और टाइम पीरियड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन चक्कर, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करोगे, 2πr स्पीड v। तो यहाँ रख दो e अपॉन 2πr अपॉन v, v ऊपर चला जाएगा, i इज इक्वल्स टू ई वी बाई 2πr। अब हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने जा रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल्स टू i इंटू a। i कितना है हमारा, करंट निकल आया ई वी अपॉन 2πr। एरिया कितना होगा इसका बच्चों, इसका रेडियस हमने r माना, एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहां से आपको दिख रहा है कि पाई पाई कैंसिल होगा, एक r भी कैंसिल होगा, और मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलेगा ई वी आर बाई टू। बोलो सही, I इंटू ए, करंट कैसे निकला, चार्ज E पास कर रहा T टाइम में, T कैसे निकला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2πr बाई वी, आर इसका रेडियस, यहाँ 2πr वी लगा, ई वी बाई 2πr, फिर हमने कहा I इंटू ए, ए कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कटा, आर आर कटा, ई वी आर बाई टू। क्लियर है, बढ़िया, कूल। अच्छा इसका डायरेक्शन क्या है, ये सर इसका डायरेक्शन, सर घुमाइए गलत, फिंगर्स को कल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ चार्ज मत सोचना, इलेक्ट्रॉन जिधर घूमता है करंट उसके अपोजिट चलता है। आ सर छिछी, हाँ अब समझे, तो करंट ऐसे, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट क्लॉकवाइज होगा एंड वाइस वर्सा, तो करंट ऐसे घूम रहा है, तो भाई करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को राइट हैंड की कर्ल किया, थंब किधर गया, अंदर। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन करोगे तो थंब बाहर आ जाएगा, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, थंब किधर, अंदर। सो दिस is inwards, बोल सकते हैं, ऐसे कह सकते हो आप, क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या होता है, इनवर्ड। ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, यहां पे कहानी खत्म हो जानी चाहिए, पर किताबों की कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, किताबें इसके आगे बढ़ती हैं, आप इतना नोट करें फिर बताएं किताबें और क्या चाहती हैं। सर किताबें तो हमारी जान लेना चाहती हैं, नोट करें इतना, क्लियर है यहां तक कंसेप्ट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होगा, बिल्कुल, क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, करंट बना रहा है, करंट कितना होता है, चार्ज अपॉन टाइम, टाइम निकाल के रख दिया, ई वी बाई 2πr, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है करंट लूप का, आई इंटू ए, तो ई वी बाई 2πr इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर किया, तो ई वी आर बाई 2 आ गया, और कैसा डायरेक्शन, इनवर्ड्स, यही इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन अपोजिट होता तो डायरेक्शन हमारा आउटवर्ड हो जाता। बुक वाले क्या चाहते हैं कि इसका कंपेरिजन आप एंगुलर मोमेंटम से समझो,
ये क्या है सर? एंगुलर मोमेंटम, ये मिटा रहे हैं? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम है ना, हमने हाइड्रोजन लाइक स्पीशी लिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इसको डिनोट करते हैं एल वेक्टर से। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम इज, अगर यहाँ पार्टिकल की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ कोई हमारे पास कंटिन्यूस बॉडी होती तो फॉर्मूला अलग लगता। पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, और आप कोई कंटिन्यूस बॉडी होती तो आई ओमेगा लगाते थे। छोड़ दिए थे सर ये सब हम, कोई बात नहीं। आर क्रॉस पी, पी इज मोमेंटम, अभी समझा दे रहे। आर क्रॉस पी, पी इज मोमेंटम, आओ जरा सर्किल में, अरे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। आर क्रॉस पी, मान लो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है, ठीक है, वी स्पीड से, ठीक है, मास एम है, ठीक है, और ये हो गया रेडियस, ये हो गया रेडियस वेक्टर, ठीक है, वेक्टर, रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो आर क्रॉस पी, बच्चों मोमेंटम तो इधर बनेगा, जिधर स्पीड होती है उधर, जिधर वेलोसिटी उधर मोमेंटम। तो ये मोमेंटम हो गया, ये आर वेक्टर हो गया, इनके बीच का एंगल कितना है? 90। सो एल इज इक्वल्स टू आर इंटू मोमेंटम की जगह एम वी, और इनके बीच में एंगल कितना है? 90। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है ना, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। तो हमने कहा ए कितना है? आर, बी मोमेंटम कितना होता है? मास इंटू वेलोसिटी, और एम वी इधर ही तो आएगा, ऐसे लिख लेते हैं इसको एम वी, इधर ही तो मिलेगा मोमेंटम जिधर स्पीड है। मोमेंटम और आर के बीच में एंगल कितना है? 90, साइन 90। सो एल इज इक्वल्स टू कितना आ गया? एम वी आर। बोलो क्लियर? बस इतना ही था, सही तो आसान था, हाँ तो आसानी तो होता है, वक्त क्यों, वो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी, सिंपल। कंटिन्यूस बॉडी के लिए आई ओमेगा, आई मोमेंट ऑफ एनर्जी, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, हमने कहा आर क्या है? ये आर वेक्टर होता है, सेंटर से ऐसे लेते हैं बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ, और पी होता है मोमेंटम, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी डायरेक्शन, एंगल 90 लगा दिया। अब बात यह कि वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका कोई डायरेक्शन भी होना चाहिए, हाँ कोई डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन है इसका आर क्रॉस पी से ही आएगा, यानी आर से पी की तरफ स्क्रू घुमाओ, आर से पी, पी इधर होगा ना मोमेंटम, मास वेलोसिटी की तरफ, तो आर से पी की तरफ स्क्रू घुमाओ ऐसे, तो देखो स्क्रू किधर आ रहा, बाहर की तरफ, यानी इसका डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड। वैसे अगर सही बताएं तो जिधर कोई पार्टिकल घूम रहा हो उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, इनका ये तरीका यही है कि जिधर पार्टिकल घूम रहा हो उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, जिधर थंब है वो डायरेक्शन, जिधर पार्टिकल घूम रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल किया, जिधर आपका थंब पॉइंट किया, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड्स। वरना सिंपल तरीका आर क्रॉस पी, क्रॉस करने का तरीका क्या होता है? आर से पी की तरफ स्क्रू को घुमाया, स्क्रू देखो एंटी क्लॉकवाइज खुल के बाहर आता, ऐसे नहीं घुमाना पी से, आर से पी बाहर, या सिंपल जिधर पार्टिकल घूमता है उस डायरेक्शन फिंगर्स को कर्ल करो, जिधर थंबाए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इन दोनों को आपको चीज समझ में आ रही है, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें और डिवाइड कर दें, मॉड एम अपॉन मॉड एल की बात करें, सो ई वी आर बटे टू अपॉन एम वी आर, बड़ा ही खूबसूरत रेशियो मिलने वाला है, वी आर से वी आर मर जाएगा। सो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू ई बाई टू एम। दिस इज अ वेरी वेरी फेमस रिलेशन, दिस इज अ वेरी वेरी फेमस रिलेशन, दैट मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो ई बाई टू एम। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें हम, तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू माइनस ई बाई टू एम। क्यों? क्योंकि एक आउटवर्ड है और एक इनवर्ड है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में बात करोगे तो माइनस साइन आ जाएगा भाई। एक को अगर पॉजिटिव लोगे तो इसको, अगर पॉजिटिव लोगे तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, वाइस वर्सा, ई माइनस ई बाई टू एम या ई बाई टू एम। क्या कई बार किताब में क्या करता है कि एंगुलर मोमेंटम दे के मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछ लेता है, नोट करें, एंगुलर मोमेंटम दे के मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है। क्लियर है? एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया, आर क्रॉस पी, आर पी कितना होता है? एम वी। आर से आर क्रॉस पी कैसे करोगे? आर से पी की तरफ स्क्रू घुमाया, बाहर आया तो आउटवर्ड, आर क्रॉस पी, आर इंटू एम वी, साइन 90, साइन 90। सर्कुलर सर्किल के केस में ये साइन 90 है, हमेशा नहीं होता। क्लियर है? सो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम रेशियो ई बाई टू एम, ये कई बार पूछ लेता है पेपर में, और किताब में भी आपके दिया है। अब बोहर मॉडल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं थोड़ा सा, इतनी बातें नोट कर ली, मिटा रहे, छाप लें, एक दो तीन चार, मिटा रहे, मिटा रहे, मिटा रहे, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू यूज बोहर मॉडल, बोहर मॉडल। पहले इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आया वो तो लिख लो, लास्ट रिजल्ट, रिजल्ट आया है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू ई बाई टू मैग्नीट्यूड वाइज। हाँ, बात है बोहर मॉडल, बोहर मॉडल ने हमसे कहा था, अगर आपको याद हो, बोहर मॉडल ने एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज किया था,
देखो एक लाइन है, भूल ही नहीं सकते, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल, आय हाय याद आ गया सर, मल्टीपल आय हाय ऑफ एच बाय टू पाई, वेयर एच इज प्लैंक कॉन्स्टेंट. द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय टू पाई, यानी जो एंगुलर मोमेंटम उसी को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोल रहा है. जो एल है दैट इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच बाय टू पाई, है ना, यानी एन एच बाय टू पाई. एन की वैल्यू वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है, फाइव एंड सो ऑन. कैसी होनी चाहिए एन की वैल्यू? जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो या तो एच बाई टू पाई होगा, या तो उसका इंटीजर मल्टीपल यानी टू एच बाई टू पाई, या थ्री एच बाई टू पाई, या फोर एच बाई टू पाई, ऐसे ही बढ़ेगा. ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि हाफ इंटू एच बाई टू पाई, थ्री बाई फोर इंटू एच बाई टू पाई. और अगर आपको याद हो एन वन टू थ्री फोर किसको करेस्पॉन्ड कर रहा है, एटम की शेल्स को करेस्पॉन्ड कर रहा है, ये के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन. अब अगर इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को कंबाइन करें, देन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू ई बाई टू एम इंटू एंगुलर मोमेंटम, यानी मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू ई बाई टू एम, एंगुलर मोमेंटम इज एन एच बाई टू पाई. मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू एन ई एच अपॉन टू टू जा फोर पाई. आपसे कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन हमारा एल शेल में है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, किसके लिए? फॉर एच लाइक एटम, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो. आपको याद हो बोहर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी पे ही वर्क करता है. कोई पूछ ले इलेक्ट्रॉन हमारा थर्ड शेल में, एम शेल में है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, कुछ नहीं सोचना है, सीधा ही फॉर्मूला, एन की वैल्यू कितनी रख दोगे, थ्री. फर्स्ट शेल में एन की वैल्यू वन. बट इसमें जो सबसे फेमस एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो है एन इज इक्वल्स टू वन का. जब एन वन रखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमम होगा, वेरी फेमस, मैग्नेटिक मोमेंट मिनिमम इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू वन रख दी, कितना आया, ई एच बाई फोर पाई. इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, इसकी आप वैल्यू निकाल सकते हो, ई इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एच इज प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकंड, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, पाई यू नो इज अ कांस्टेंट. तो इसके आप वैल्यू निकाल सकते हो, एंड दिस क्वांटिटी इज फेमस एज बोहर मैग्नेटॉन. द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मिनिमम इसी में होगा, फर्स्ट शेल में. अगर किसी और शेल में कोई पूछे तो इसी से टू को मल्टीप्लाई कर दो, ए को थ्री से, इसको बी एम बी बोलते हैं, बी डॉट एम. द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ई एच बाई फोर पाई एम, विच इज नोन एज वन बोहर मैग्नेटॉन. नोट करें, आगे ये बात छाप लें. एनसीईआरटी तो यहीं पे बच्चों खत्म हो जाती है, इस पे हम एक क्वेश्चन कराने की कोशिश आपको करेंगे, एक सवाल इस पे हम आपको कराने की कोशिश करेंगे. इसको मिटा दें, नोट कर लें. ये हमने बोहर मॉडल यूज किया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मोमेंटम ऑफ एच बाई टू पाई, तो एल इज इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, एंगुलर मोमेंटम एन एच बाई टू पाई, एन इंटीजर होना चाहिए. फिर हमने कहा इस एक्सप्रेशन के होते हैं ई बाई टू एम, एल की जगह एन एच बाई टू पाई रखा, तो एन ई एच अपॉन फोर पाई एम. फिर हमने कहा एन की मिनिमम वैल्यू वन, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी मिनिमम आएगा, मिनिमम मैग्नेट ई एच बाई फोर पाई एम, जिसको हम बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं. अब इसी बेसिस पे एक सवाल करा देते हैं आपको, मिटा रहे इसको, देखते हैं आपने कितना सीखा इस पूरी डेरिवेशन, इस पूरी कहानी से. तो आपने देखा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अब जरा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हटाते हैं, अब देखो हम क्या निकलवाने जा रहे हैं आपसे. सभी अच्छी किताबों में सवाल भी आपको मिल जाएगा.
यहां मान लो एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है, रिंग है, नॉट डिस्क। डिस्क के लिए भी करोगे एकदम सेम कहानी, डिस्क के लिए भी सेम एक्सप्रेशन आएगा। यहां मान लो हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग डिस्क है, हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, वेरी सॉरी, जिसका रेडियस आर है, जिसका मास एम है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, जिसका मास एम है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अपने सेंटर के अबाउट कर 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 रोटेट कर रही है। इसके ऊपर, अच्छा नॉन कंडक्टिंग है तो इसके ऊपर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हमने इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ ऑफ रिंग, अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग या लेंथ ऑफ रिंग। हमसे पूछा है इसका क्या क्या बोल दिया हमसे, कि प्लस क्यू चार्ज है, और क्या बोला, इसका मास एम है, और क्या बोला, इसका रेडियस आर है। हाँ, हमसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम फॉर दिस रिंग, और ये जो एक्सप्रेशन हम निकालने जा रहे हैं, दिस इज वैलिड फॉर रिंग, वैलिड फॉर डिस्क, वैलिड फॉर स्फीयर, है ना, बट दे शुड बी नॉन कंडक्टिंग। देखो अगर इतना आपने पढ़ा है तो आप समझ गए हो कि E बाई टू एम, तो Q बाई टू एम आंसर आना है, पहले समझो मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या था, E बाई टू एम, तो Q बाई टू एम। अब देखो कैसे करना है इसको, आओ देखते हैं। पहले बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, तो सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करते हैं। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मुझको करंट जानना होगा, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, है ना। अब सोचो इसमें भी अगर आप इमेजिन करो कि मान लो यहाँ एक क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन सोचो, तो एक टाइम पीरियड में इसमें से कितना चार्ज जाएगा, एक टाइम पीरियड में dq निकला, जब एक टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो पूरी रिंग यहां से पास कर चुकी होगी भाई, एक टाइम पीरियड में यहां से एक तरह से पूरी रिंग इस जगह से पास कर चुकी होगी। मान लो यहां पे आपने एक लाल निशान लगा लिया, शुरू की कहानी, थोड़ा सा dq चार्ज, थोड़ा सा और चार्ज, एक टाइम पीरियड बाद वही लाल निशान आया, यानी पूरा q चार्ज यहां से पास किया है, तो एक टाइम पीरियड में इसमें से कितना चार्ज पास किया, q, करंट क्या होता है, कितना चार्ज पास किया अपॉन कितने टाइम में। अगर यहां पर आप एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन करो तो एक टाइम पीरियड में पूरी रिंग यहां से घूम के चली जाएगी, पूरी रिंग मतलब क्यू चार्ज घूम के चला गया। टाइम पीरियड को आप क्या लिख सकते हो, 2πr/v लिख सकते हो, पर यहां v वगैरह दिया नहीं, तो आप ये भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω। यहां देख रहे हो एंगुलर वेलोसिटी में दी हुई है, 2π/ω होता है, तो 2π/ω रख दो, क्यू अपॉन 2π/ω, ओमेगा ऊपर आ जाएगा, क्यू ओमेगा बाय 2π, ये मिल गया करंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट आप निकाल सकते हो, I इंटू ए, आई कितना है हमारा, क्यू ओमेगा बाय 2π, एरिया कितना हो जाएगा इसका, πr² पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। अब हम एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम, अब देखो ये कोई पार्टिकल नहीं है, पिछली बार एक चार्ज पार्टिकल था, सिर्फ एक पार्टिकल था, जब पार्टिकल हो तब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आर क्रॉस पी लगा सकते हो, पर अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी है तो कंटिन्यूअस बॉडी में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज। तो आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर अब आपको याद हो कि एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज फॉर रिंग कितना होता था, एम आर स्क्वायर, अगर आपसे कोई पूछे डिस्क का कितना होता है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, और स्फीयर में एक सॉलिड स्फीयर का और एक हॉलो स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का कम ज़्यादा होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, आई ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 2/5 एम आर स्क्वायर एंड आई ऑफ हॉलो स्फीयर इज 2/3 एम आर स्क्वायर, हॉलो का ज़्यादा होता है
और सॉलिड का कम होता है. 2/5 mr², 2/3 mr², डिस्क mr² बाई 2, रिंग mr². तो यहाँ रिंग का केस है तो L इज इक्वल्स टू mr² इंटू ओमेगा. खत्म, मिल गया, डिवाइड कर दो. m बाई एल क्यू ओमेगा r² बाई 2 mr² ओमेगा. तो r² ओमेगा कैंसिल एंड यू विल गेट q/2m. यही मैं बोल रहा था कि m बाई एल का रेशियो हमेशा q/2m, जैसे e/2m निकाला था, चाहे रिंग हो, डिस्क हो या स्फीयर. तो यहीं पे हम मैग्नेटिक मोमेंट को करते हैं समाप्त. अगले लेक्चर में हम लेके आ रहे हैं टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट.